कर दिया सत्यानाश। सर्दी है। हाँ ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं। अल्लाह बल्ली करो जल्दी। सब लोग आ गए ना? हाँ सब लोग यहीं तो हैं। समझी जी। ये तुम लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? शादी 26 को होगी, तय हो गया ना। एक फैमिली को कार्ड एक्सचेंज करने का मौका मिला तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। व्हाट इज दिस डैडी? सत्यनारायण समधी जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, पत्रिका की लेन देन कर लें। कार्ड एक्सचेंज की कर लेते हैं। कीर्ति की शादी का कार्ड है, खाना खाने जरूर आना। पापा मेरे बेटे की भी शादी है, आपको गिफ्ट लेके आना है। अगर तुम नहीं आए तो भी मुझे चलेगा। एक्चुअली मत ही आना। अब क्या खाना खा के जाओगी? चलो ना। होने वाली बहू से बात तो करने दो। तू कुछ बोलेगा? ये लोग आपस में बात करने वाले हैं, हम भी बैठकर सुनते हैं ना। बात में दम है। चलो आसन ग्रहण कर। जगह बनाओ। लेफ्ट हैंड राइट में सेंटर में। क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? बैठिए ना। शुरू करें? चलो जाओ। हाँ तो बेटी अब तुम क्या पढ़ रही हो? दिन में एमबीए की किताबें पढ़ती है और रात को मेरे भेजे एसएमएसएस पढ़ती है। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ बताओ, शादी के बाद खाऊ गली में तुम्हारे नाम का ठेला डालेंगे। हो गया तेरा? तेरे जमाने के सवाल पूछेगी तो लोग हंसेंगे। मैं मेरे जमाने के सवाल पूछता हूँ, देखना भी गाने में गला कैसा है। हाँ इनका खुद का ऑर्केस्ट्रा है, कोरस सिंगर की जरूरत है। जजमान एक छोटा सा संदेह। हाँ पंडित जी। आप दोनों में से कोई एक कृति से शादी करेगा ये तो समझ में आया, तो दूसरा क्या शादी में शहनाई बजाएगा? ये तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो बेटा। मैं जवाब दूं? बता दो कीर्ति और मेरी शादी के बाद तू क्या करने वाला है? सब काम मुझसे करवाते हैं हे भगवान। ये आकाशवाणी का हैदराबाद केंद्र है, इस गाने की फरमाइश की है सिद्धार्थ वर्मा ने। जा गाड़ी पार्क कर गया। वैले पार्किंग सिर्फ 4 पहियों के लिए होती है, 2 पहियों के लिए नहीं सर। 2 पहिये मेरे ले ले, अब हो गई ना 4-व्हीलर। अंदर चले पापा। 2+2 का हिसाब आ गया इसको। डन टन डन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जा रहे थे तब मेरे बेटे को जोर से सुसू आई, तो मैंने कहा शोरूम पास में ही है, साड़ी के शोरूम में कोई शौचालय ढूंढने आता है क्या? बेटा पापा। शादी की शॉपिंग सर? बेटी की शादी की। जमाई कहाँ है? ये रहा, इस एरिया का सब इंस्पेक्टर है। क्या बात है, सब इंस्पेक्टर आपका जमाई है? कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं नहीं मम्मी, ये साड़ी कैसी लग रही है? अरे मुझसे क्यों पूछ रही है, अपने होने वाले पति से पूछ। यही तो है, पूछ लीजिए। बेटा तुम्हें ये साड़ी कैसी लगी? ओके है मम्मी जी। ओके है? आपका जमाई कौन है? ये है। और वो कौन है? मैं उस लड़के को नहीं जानती। बहुत कंफ्यूजन है सर, आपका जमाई कौन है? बताया तो, ये मेरा जमाई है। और ये वाला? मैं इस लड़के को नहीं जानता। आप दोनों का रिलेशन? पति पत्नी। नहीं ये। और ये प्रोडक्ट? हमारी बेटी। और जमाई? ये रहा। सासू माँ पाओ कहाँ आपके? एक पैक फ्री का ऑफर सुना तो था, आज देख भी लिया। वेलकम टू कला मंदिर। अरे नहीं कोई अच्छा सा जमाई दिखा, मतलब साड़ी दिखाओ। कंग्रेचुलेशन सर। किस लिए? शादी का सीजन चल रहा है इसलिए हम रोज एक लकी जोड़े को चुनते हैं और कला मंदिर की तरफ से उसे एक हनीमून पैकेज देते हैं। और आज ये प्राइज आपकी बेटी को मिला। ये तो दुल्हन की टिकट हुई, दूल्हे की कहाँ है? वो तो दूल्हा पहले ही ले गया। सिद्धू, कल शादी के कार्ड के एक्सचेंज के समय उसने तमाशा खड़ा किया था, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वहाँ सिर्फ हम लोग थे, पर आज सारी की दुकान में सबके सामने शर्मिंदा किया। अच्छा हुआ ज्यादा लोग नहीं थे, पर अगर संगीत में उसने कोई नाटक किया तो रिश्तेदारों के सामने नाक कट जाएगी। उसे इस बार रोकना ही होगा। सिद्धू रूल्स का पालन करना है करो, रूल्स को तोड़ना है तोड़ो, बस वो वहाँ आने ना पाए। आज तक मैंने खुद को कंट्रोल किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा खराब इंप्रेशन पड़े। अब मैं दिखाता हूँ कि एक पुलिस वाला क्या कर सकता है। आप संगीत की तैयारी कीजिए। आप शादी के लिए लोन ले रही हैं, जरूरी है क्या? बिना पैसों की शादी करेगा? चल हमारा छोड़, लेकिन कीर्ति के लिए तो कपड़े लेने होंगे ना? हाँ नरेंद्र। नहीं नहीं मर्डर सस्पेक्ट को जेल में रहने देना, बाकी सबको रिहा कर दो।
मेरे बारे में खिचड़ी पका रहा है? नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि तू धूप में काला हो जाए, इसीलिए सोचा तुझे लॉकअप में डाल दूं। तुझे लगता है बिना कोई जुर्म किए तू मुझे बेवजह अंदर डालेगा और मैं चुपचाप देखूंगा? क्या कर लेगा बे? लड़ो मत बेटा प्लीज, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, शांत हो जाओ। आप मेरी माँ की तरह हैं, यानी मेरे बाप की रखेल हैं। छोड़ दे बेटा, ऐसा मत कर। क्या करे? बिना जुर्म के जेल नहीं जाएगा। कर लिया ना जुर्म, ड्यूटी पर खड़े ऑफिसर का कॉलर पकड़ने का। और कोई जुर्म करेगा अब तो तू गया। चल। माँ अब घर जाओ, मैं आ जाऊंगा। नरेंद्र कंप्लेन लिखो। नमस्ते सर। बाबू नाम के लड़के को इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ने के जुर्म में अरेस्ट किया। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुझे कीर्ति चाहिए ना? कसम से आज के बाद तुझे उसका चेहरा भी नहीं देखने दूंगा। कल रात 8 बजे हमारी शादी का संगीत है, मैं वहां हीरो की तरह नाचूंगा और तू यहां सलाखों के पीछे अपनी किस्मत को रोएगा। कैसा लगा मेरा प्लान? प्लान ये है तो मेरे घर के बाहर बैठे बापा मेरे कान में नया प्लान क्यों बता रहे हैं? हाँ, हाँ। वो कह रहे हैं कि संगीत संध्या में सेलिब्रेशन करूंगा मैं और डिप्रेशन में यहाँ पड़े रहोगे तुम। अबे यहाँ से निकल के तो दिखा। कल 6 बजे संगीत संध्या में मैं हीरो की तरह एंट्री मारूंगा और तू स्टेशन में जीरो की तरह पड़ा रहेगा। बापा और कोई मैसेज है? बापा ने तो तेरा प्लान पहले से ही सेट करके रखा हुआ है। हे, बाबू ने ग्रुप में मैसेज भेजा है, तूने देखा क्या? वो पुलिस स्टेशन में। हे, ये किसे मैसेज कर रहा है? इसका फोन ले लो। ए, ए, फोन दे, फोन दे, फोन दे। संगीत संध्या में तमाशा खड़ा ना करूं इसीलिए मुझे अंदर डालने की प्लानिंग करने वाले ससुर से जाके कह दे इस बाबू को अंदर कर सके, ऐसी सलाखें आज तक किसी ने बनाई नहीं है। क्या हुआ? आप पुलिस स्टेशन गए थे ना, बाबू नहीं आया? टेंशन क्यों ले रही हो, तुम अपने बेटे को नहीं जानती क्या? वैसे पुलिस स्टेशन जाते वक्त उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? उसने कहा था वो आ जाएगा। उसने कहा है तो फंक्शन शुरू होने से पहले वो आ जाएगा। टेंशन मत लो, तुम भी लुंगी पहन लो, जाओ। अरे यहाँ लाइन क्यों लगी हुई है? सुबह से मैं आपके साथ हूँ सर। सलाम साहब, सब लोग आपका ही वेट कर रहे हैं। ए पब्लिक के लिए पानी ला रहे। सीधा खड़ा रहो। नरेंद्र सर, इस स्टेशन में भीड़ किस बात की है? बाबू ने आपसे बदला लेने का प्लान बनाया है। इसके कॉलोनी के लोग किसी न किसी चीज की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। अब तक 250 केस जमा हो गए। 250 नहीं 500। हाँ, 250 इसके, 250 मेरे। कैसे केसेस? इसका तकिया खो गया है, उसका नाड़ा खो गया है और उस भाई साहब का अंडरवियर खो गया है। तकिये की कौन रिपोर्ट लिखाता है? दरअसल जो तकिया चोरी हुआ है वो इसे दहेज में मिला था और अब ससुराल वालों का बहुत प्रेशर है इस पर। और ये नाड़े का क्या मामला है? दरअसल वो नाड़ा नड़ियाद का था, किसी ने खींच लिया उसके पजामे से। और ये अंडरवेयर का क्या मामला है? वही अंडरवेयर पहनकर उसके दादाजी ने झंडे गाड़े थे। चोरी का केस तो बनता है सर। बेटा सिद्धू शौक लग गया ना, अगला केस तो सुनो, शौक के साथ क्रेजी हो जाओगे। श्यामलता लाइन में इतनी पीछे क्यों खड़ी हो, आगे आ जाओ। हटा हटा हटा, कभी 80 साल की जवान लड़की देखी नहीं? आपकी क्या समस्या है दादी माँ? ईव टीजिंग केस है, हमारे एरिया के सारे बुड्ढे मुझे देखकर डांस करते हैं। छेड़खानी तो इनके जैसी खूबसूरत लड़कियों के साथ होती है, एक्सपायरी डेट के साथ नहीं। मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ, आज भी उन बुड्ढों के लिए 56 छुरी हूँ। थक गई हूँ मैं उन ठरकियों से। दादी माँ, मैं समझ गया आप पर क्या क्या बीती है। मैं लिखता हूँ। पैर कब्र में है लेकिन ढेर शानी है। हाँ सामू, आपको मिलते हैं। टाटा। पंजागोटा एरिया से एक लड़के को निजी स्वार्थ के चलते सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल है, सुबह से हजारों लोग केस फाइल कर चुके हैं। अरे बड़े साहब। सर, मैंने सुना है कि बाबू नाम के लड़के को अरेस्ट किया है, केस क्या है? एसआई को फोन दो। अभी देता हूँ सर। कमिश्नर सर, सर असल में हुआ ये था कि नौकरी इसलिए नहीं दी है कि पर्सनल रीजन की वजह से लोगों को अरेस्ट करो। 10 मिनट के अंदर सारी भीड़ हट जानी चाहिए। सर आप जानते नहीं है, मीडिया हम पर उंगलियां उठा रही है। सर मेरी मानिए तो कॉम्प्रोमाइज। मैं कॉम्प्रोमाइज हरगिज नहीं करूंगा। देखते हैं अब ये क्या करता है। इतने से पेट नहीं भरा क्या? लड़की एक दीवाने दो, दिमाग हमारा खराब हो रहा है। ए, बैठने को बोला क्या? बैठ जाओ ना जी। मेरे पुलिस स्टेशन में मुझसे होशियारी,
अच्छा बता तेरा क्या प्रॉब्लम है? चार मीनार गायब होना। क्या कहा? पहले ये बता तेरे बाप ने खरीदा कब? अगर चार मीनार गायब हो गया ना तो उसका केस दिल्ली में लिखेंगे। कुछ और बता। लिखो। बोलो। बिरयानी में से मसाला गायब है। मसाला? कोई ऐसा केस बता जो हमारी समझ में आ सके और हम उसे ढूंढ के ला सके। मेरे भाई को सोने के बाद नींद नहीं आती, उसकी नींद ढूंढ के लाओ जी। अरे इसको कोई लाश शर्म है कि नहीं, जान खा गया है। वैसे आपका पर्स कहाँ है? टोपी के नीचे। कहाँ है? मेरा पर्स कहाँ है? उसकी रिपोर्ट लिख दो ना। कैसा लगा लॉजिक? क्या लॉजिक हो ना, क्या लॉजिक हो रहा है यार। ए चुप रहो रे। ए जा, तू जा रे, तेरा हो गया। आपका क्या खो गया है? फोन खो गया सर। सूटकेस खो गया है। सूटकेस खो गया है। ये तो फोन बोल रही है। फोन सूटकेस में था ना। अरे वाह, फोन इसका है कि तेरा। नेक्स्ट। चिंटू बेटा, अरे तुझे भी प्रॉब्लम है? हेलो भैया। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी पेंसिल गायब हो गई। अरे रे, ऊपर वाला कितना कठोर है। पेन पेंसिल का केस नहीं लिखा जाता, घर जाओ बेटा। योर ऑनर, एक छोटा सा बच्चा दिल में बड़ी उम्मीद लेकर खोई हुई पेंसिल की रिपोर्ट लिखाने आया है। अगर आपने उसका केस नहीं लिया तो सोचिए उसके दिल पे क्या बीतेगी। उसका कानून से भरोसा उठ जाएगा सिद्धू साहब। मियां, कल उठ के वो चोर, मवाली या फिर टेररिस्ट बन जाएगा और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। ये कौन सी फिल्म का सुपरहिट डायलॉग है बाबा? मुझे क्या पता। लगता है स्पेशल केस है। तुम्हारी पेंसिल कैसे गायब हो गई? शार्पनर में पेंसिल डाली, आधे घंटे तक घुमाता रहा, गायब हो गई। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है बेटा। नेक्स्ट। बाय चिंटू। बाय भैया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। आखिर पुलिस कर क्या रही है? सर, ये टीवी पर क्या तमाशा चल रहा है? मुझे मीडिया के कॉल्स आ रहे हैं। उस लड़के को अभी छोड़ दो। Otherwise, I'm going to take strict actions against you. सर, आप मेरी बात तो सुनिए। ए, तुझे छोडूंगा नहीं। सर, मार डालूंगा। सर, रुक जाइए सर। सर, सर रुकिए, रुकिए सर। सर, आपने कहा था कि इसके मुंह लगना अपना लेवल कम करना है, इसलिए इसे इग्नोर कीजिए। मेरी बात मानिए, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। इससे आप शाम को अपनी संगीत संध्या का मजा ले पाएंगे और फिर हमें ड्यूटी भी तो करनी है, वरना फिर वही लड़ाई, वही टेंशन। ठीक है, इससे कहो ये लोगों को जाने को बोले, उसके बाद इसे छोड़ूंगा मैं। सर, सुन लिया ना बाबू। ए प्रसाद। हाँ, ये मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको बोले कटिंग मार के आए। सेट है, चलो चलो, चाय बिस्किट बाहर है, चलो। तुझे लग रहा होगा कि तू जीत गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऑफिसर, लीड। सर, क्या आपने बाबू को अपने पर्सनल मैटर के लिए अरेस्ट किया था? बिल्कुल नहीं, एक छोटा सा मैटर था जो अब सॉल्व हो चुका है। साइड 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 हटो। सर, आपको अरेस्ट क्यों किया था? एसआई ने बताया कि एक छोटा सा मैटर है, क्या ये सच है? अंदर क्या क्या हुआ वो मैं डिटेल में नहीं बता सकता, बस एक छोटी सी कहानी सुनाकर एक्सप्लेन करूंगा। कहानी का नाम है गजेंद्र मोक्ष। एक नदी हुआ करती थी, उस नदी में एक छोटा सा मगरमच्छ रहता था। एक दिन एक बड़ा सा हाथी उस नदी में नहाने आया और गलती से उसने पैर वहां रहने वाले मगरमच्छ को लगा दिया। जैसे ही मगरमच्छ को पैर टच हुआ, मगरमच्छ ने उसका पैर मुंह में जकड़ लिया। फिर क्या, हाथी दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगा। इस कदर हालत पतली हुई कि साक्षात विष्णु भगवान को मैटर में मांडवली करने आना पड़ा। विष्णु जी के कहने पर मगरमच्छ ने हाथी को जाने दिया। वहां से जाते हुए हाथी ने सोचा, यार मैं इतना बड़ा हूँ, मगरमच्छ इतना छोटा, हाउ इज दिस पॉसिबल? जानते हो मगरमच्छ ने एटीट्यूड मारते हुए क्या जवाब दिया? हो सकता है जंगल में तू बहुत बड़ा तुर्रम खां है, पर पानी में मैं हूँ। ये भी लोकल है।